हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएमजेड एडिट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फोटो को रिटच करके मैं कैसे राइट रूम से रिटच करता हूँ अपने फोटो को। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं लाइट रूम से रिलेटेड, मैंने कैसे अपने फोटो को रिटच कर रखा है, उन वीडियो को जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फोटोशूट पॉजेज, आप इन सब वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर। आई बटन में आपका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस को। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैं फोटो कैसे रिटच करता हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले फोटो को लाइट रूम में लाना है। लाइट रूम में लाने के बाद सबसे पहले लाइट करेक्शन करते हैं हम इस फोटो में। तो लाइट करेक्शन में देखता हूँ मैं, सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट आता है हमारा, तो कॉन्ट्रास्ट को मैं कर लेता हूँ लगभग 7% कर लूँगा। कॉन्ट्रास्ट को 7% कर लेते हैं। उसके बाद हाईलाइट को देखते हैं, हाईलाइट को कर लेंगे लगभग 20%। उसके बाद शेडो को देखते हैं, शेडो को लगभग 24% कर लेते हैं, 24 कर लेंगे। उसके बाद करते हैं हम वाइट पे चलते हैं, तो वाइट को माइनस कर लूँगा, वाइट को लगभग लेंस से 12% माइनस कर लेता हूँ। ब्लैक को माइनस कर लूँगा ताकि डार्कनेस हमारे थोड़ी फोटो में आ जाए, तो हल्का सा माइनस कर लूँगा। उसके बाद कलर करेक्शन वाले टूल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम कलर करेक्शन वाइब्रेंस को देखते हैं, लगभग वाइब्रेंस को हम प्लस कर लूँगा, लगभग 62% कर लेंगे, 63% इतना कर लेते हैं, मैक्सिमम 63 कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मिक्स टूल पर चलते हैं। तो मिक्स टूल पर जाने के बाद सबसे पहले रेड कलर को देखता हूँ मैं, तो रेड कलर का यू देख लेता हूँ, यू कर लेता हूँ मैं 31% कर लेता हूँ, लगभग 31% कर लेंगे। उसके बाद सैचुरेशन को देखता हूँ, सैचुरेशन को माइनस कर देंगे, हल्का सैचुरेशन को माइनस कर देंगे ताकि हमारी फेस में जो रेड टोन आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद चलते हैं लुमिनस को देखते हैं, तो लुमिनस को मैं प्लस कर लूँगा, लुमिनस को प्लस कर लूँगा। उसके बाद चलते हैं येलो कलर में, येलो कलर में जाने के बाद सबसे पहले सैचुरेशन को 100% कर दूंगा, यू को भी 100% कर दूंगा, दोनों चीज़ को 100% कर दूंगा। उसके बाद ग्रीन कलर में चलते हैं, सबसे पहले यू को देखते हैं माइनस की 31% को कर दूँगा, माइनस 31% कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सैचुरेशन को देखते हैं, ग्रीन कलर के सैचुरेशन को कर लेता हूँ मैं 100% कर लूँगा सैचुरेशन। उसके बाद स्काई कलर को देखते हैं, स्काई कलर में यू को माइनस कर दूंगा 100%, तो यू को माइनस कर लेते हैं 100%। और सैचुरेशन को देखता हूँ मैं, सैचुरेशन को हम माइनस कर लेंगे, सैचुरेशन को हम लगभग 15% या 15% माइनस कर लेंगे। मैं दोनों चीज़ का, इस दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो में। उसके बाद चलते हैं हम अगले कलर में चलते हैं, ब्लू कलर को देखते हैं, तो ब्लू कलर में देख लेते हैं हम, सबसे पहले यू को हम छेड़ेंगे नहीं, और सैचुरेशन को देखते हैं, सैचुरेशन को माइनस कर लेंगे, हल्का सा माइनस रखेंगे सैचुरेशन को माइनस की साइड। उसके बाद चलते हैं हम लुमिनस को देखते हैं, तो लुमिनस को प्लस कर लेंगे लगभग 8%, इतना कर लेता हूँ मैं। उसके बाद पर्पल कलर को माइनस कर देंगे 100%, और पिंक कलर का माइनस कर लेंगे लगभग 88% माइनस कर लेंगे 89%। उसके बाद करते हैं डन, फिर चलते हैं हम कलर ग्रेडिंग वाले पार्ट पर। तो सबसे पहले शेडो वाला पार्ट आता है, इसको हम कर लेते हैं। सब शेडो में मैं ग्रीन वाला पार्ट रखूँगा ताकि हमारी शेडो जो है वो हल्के से ग्रीन पार्ट आ जाए इसमें, तो मैं ग्रीन की साइड रखूँगा इसे, हल्का सा ग्रीन की साइड कर लेता हूँ मैं, इतना कर लेता हूँ बस, 156 कर लिया मैंने, थोड़ा कम ही कर लेता हूँ मैं, 151 कर लेता हूँ मैं, 2 कर दिया। उसके बाद सैचुरेशन को हम कर लेंगे, सैचुरेशन को ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका हल्का सा ही रखना है हमें, तो मैं 10% करीब कर लेता हूँ उसे। उसके बाद चलते हैं हाईलाइट वाले पार्ट पर, हाईलाइट वाले पार्ट पर सबसे पहले हम हाईलाइट में थोड़ा सा ब्लू से टोन रखेंगे अपनी, तो मैं ब्लू की साइड ले जाता हूँ इसे, मैं ब्लू की साइड ले जाता हूँ इसे। उसके बाद इसके सैचुरेशन को देखते हैं, सैचुरेशन को हल्का से प्लस करेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए हमें ब्लू टोन। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं डन, तो इसमें देखते हैं विनेट वाले पार्ट को देखते हैं, विनेट पार्ट माइनस 62 कर दूंगा मैं, माइनस कर लेता हूँ उसे, 62% माइनस कर लूँगा। उसके बाद चलते हैं फेदर वाले पॉइंट पर चलते हैं, इसका लगभग 58 कर लूँगा, फेदर वाले पॉइंट पर चल के 58% कर लूँगा मैं। उसके बाद शार्पनेस वाले टूल पर चलते हैं हम, शार्पनेस को बढ़ा देंगे इसके डिटेल के लिए, तो शार्पनेस को मैं प्लस कर लेता हूँ, लगभग 49% कर लूँगा, 49 के करीब मैं कर लेता हूँ इसे। उसके बाद चलते हैं हम नॉइज़ रिडक्शन वाले टूल पर चलते हैं, तो नॉइज़ रिडक्शन को हम कर लेते हैं लगभग 34% कर लेंगे। उसके बाद कलर नॉइज़ रिडक्शन को देखता हूँ, कलर नॉइज़ रिडक्शन को हम 68% कर लेंगे, कलर नॉइज़ रिडक्शन को हम 68% कर लेते हैं अपना, 68 कर लेता हूँ मैं जल्दी से, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको जल्दी से इसकी रिटचिंग करके दिखाता हूँ। उसके बाद स्मूथनेस को हम प्लस कर लेंगे, स्मूथनेस को भी हम प्लस कर लेते हैं लगभग 68 ही कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, हम हल्का सा 65 कर लिया मैंने।
इतना सही है, स्मूथ है हमारे फोटो में। उसके बाद यहाँ से डन कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ से कर्व वाले टूल पर चलते हैं। तो सबसे पहले ब्लू कलर को देखते हैं, ब्लू कलर को देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसे डाउन रखेंगे हल्का सा ऊपर की साइड से, ताकि थोड़ी येलो सी टोन आ जाए, और नीचे की साइड से क्योंकि हल्का सा ब्लू टोन चाहिए हमें शेडो वाले पार्ट में, तो उसे वो अप कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से ग्रीन कलर को देखता हूँ, इसको हल्का सा डाउन कर देंगे थोड़ी रेड से भी। उसके बाद यहाँ से डन कर लेता हूँ मैं उसे। अभी आपको देख सकते हैं तो फोटो में क्या दिख रहा है, मैं मुझे लग रहा है कि सैचुरेशन ज़्यादा हो गया है, तो सैचुरेशन को माइनस कर लूँगा यहीं से। सैचुरेशन को पूरे फोटो की सैचुरेशन को माइनस कर लूँगा, ताकि स्किन टोन भी हमारे सही हो जाए। 25 माइनस कर लिया मैंने। उसके बाद चलते हैं हम सिलेक्टिव वाले पार्ट पर चलते हैं। तो सिलेक्टिव वाले में यहाँ पर चल के एक ग्रेडियंट बना लेता हूँ मैं। सब्जेक्ट के ऊपर ग्रेडियंट बना लेंगे हम, एक सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर ही ग्रेडियंट बनाएंगे। फिर से यहाँ पर इन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, इन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम बैकग्राउंड पर हमें काम करना है, तो सबसे पहले हम एक्सपोजर को देखते हैं, इसके एक्सपोजर को माइनस कर लेते हैं। एक्सपोजर को माइनस कर लेंगे, 45 कर लिया मैंने। कॉन्ट्रास्ट को नीचे, कॉन्ट्रास्ट को नहीं, एक्स हाईलाइट को उसको कर लेते हैं। हाईलाइट का हम प्लस कर लेंगे लगभग 22% कर लेते हैं, 22%। उसके बाद चलते हैं शेडो वाले को, शेडो को भी हम प्लस कर, शेडो को माइनस रखेंगे क्योंकि थोड़ी डार्कनेस ही हमारे फोटो में चाहिए, तो इसे इतना कर लेते हैं। उसका वाइट को हम बढ़ा लेंगे क्योंकि थोड़ी वाइटनेस भी हमारे फ़ोटो में आ जाएगी बैकग्राउंड में, तो वाइट को कर लेते हैं हम। मैं 22% कर लेता हूँ वाइट को। उसके बाद ब्लैक को माइनस कर लूँगा, ब्लैक को हल्का सा माइनस कर लूँगा, ज़्यादा नहीं हल्का सा करूँगा। यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो अभी आप बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हैं फ़ोटो का, बिफ़ोर आफ्टर आप भी चेक कर सकते हैं आप कि हमारा फोटो जो कैसा था और कैसा बन चुका है। बिफ़ोर आफ्टर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैंने फ़ोटो को रिटच किया था, इसे इतनी आसान स्टेप में मैंने फ़ोटो को रिटच किया था। तो आसानी से आप भी अपने फ़ोटो को रिटच कर सकते हैं। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से सभी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे यू वगैरह सब अपने फ़ोटो के हिसाब से रख सकते हैं, इस तरह से रिटच कर सकते हैं। आई होप के गाइज आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, आपको स्क्रीन पर यूजर नेम शो हो रहा है मेरे इंस्टाग्राम का, जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर नई नई पोस्ट आती जाती है, उसे चेकआउट करिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी है, तो मैं उस पोस्ट का ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा, आप वहाँ से मुझे कमेंट कर सकते हैं। रोज नई पोस्ट में डालता हूँ, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जाए वो भी आपको मिल जाए। तो चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।